पीली लो मित्र नमस्कार जी, पंजाब की टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है सोलन सब्जी मंडी से। इस वक्त हम आपके साथ है लाइव जुड़े हुए, तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं। मंडी में टमाटर की बड़ी मात्रा में आपूर्ति जारी है। अब हरियाणा से भी सोलन सब्जी मंडी में टमाटर पहुंचना शुरू हो गया है। पहले अहमदाबाद का ही टमाटर आ रहा था, लेकिन अब अहमदाबाद, बेंगलौर और हरियाणा का टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है। हालांकि आज सोमवार है, सोमवार को मंडी बंद रहती है, लेकिन कुछ एक दुकानें खुली हैं जहाँ सब्जियों की आपूर्ति हुई है। तो अभी हम टमाटर के आपको भाव बता रहे हैं कि किस तरह का टमाटर का रेट रहा है। टमाटर के भाव में पिछले दिनों उछाल देखने को मिल रहा था, लेकिन अब टमाटर के भाव में थोड़ी गिरावट हो गई है। आज मंडी में 520 रुपए मिनिमम रेट है, मैक्सिमम रेट 600 रुपए तक है। तो सोलन सब्जी मंडी में कुल 520 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति क्रेट तक का टमाटर बिक रहा है। हालांकि पिछले दिनों टमाटर में जबरदस्त तेजी और उछाल देखने को मिला था, जब 1000 रुपए तक टमाटर का रेट सोलन सब्जी मंडी में हो गया था। 1000 रुपए तक टमाटर सोलन सब्जी मंडी में हो गया था, और उससे लग रहा था कि टमाटर के भाव में आने वाले दिनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि अहमदाबादी टमाटर की आपूर्ति शुरू हो रही थी। तो अहमदाबाद से टमाटर की जब आपूर्ति शुरू हो रही थी, रेट में तेजी थी, तो बेंगलौर से भी मंडियों में टमाटर आना शुरू हो गया, और अब हरियाणा से भी टमाटर की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। हरियाणा का टमाटर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, बड़ी मात्रा में हरियाणा से टमाटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है, और 520 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में टमाटर के भाव बने हुए हैं। लोकल टमाटर की अभी आपूर्ति शुरू नहीं हुई है, लोकल टमाटर अभी मंडियों में आया नहीं है। मई के मध्य या मई के आखिर में लोकल टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आना शुरू हो जाएगा। तो इस बार लग रहा है कि गर्मियों के सीजन में किसानों को इस बार भी अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। सोलन में बारिश का मौसम है, इसलिए टमाटर को यहाँ पर ढक के रखा हुआ है। बीच बीच में बारिश हो रही है, और बीच बीच में मौसम जिस तरह का बना हुआ है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान पहले ही बारिश का है, और बारिश की वजह से किसानों की जो दिक्कतें हैं वो बड़ी है। तो किसानों ने बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी नहीं बल्कि जिला सोलन में टमाटर की पौध लगाई हुई है। गर्मियों का सीज़न इस बार बहुत ज़्यादा किसानों ने लगाया है, क्योंकि पिछली बार टमाटर का रेट 5000 रुपये प्रति क्रेट तक पहुंच गया था। टमाटर के भाव में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था, 5000 रुपये तक टमाटर का रेट सोलन सब्जी मंडी में हुआ था। तो यही वजह है कि टमाटर के रेट में बढ़ोतरी इस बार को देखते हुए, पिछली बार जिस तरह की टमाटर के रेट में तेजी थी, तो यही वजह है कि किसानों ने इस बार टमाटर का उत्पादन गर्मियों के सीजन में बड़ी मात्रा में इस बार पौधे लगाई है, और इस बार लग रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा टमाटर का उत्पादन होगा। हालांकि बरसात के दिनों में सोलन सब्जी मंडी में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की मंडियों में टमाटर के भाव में गिरावटें देखने को मिली थी। तो सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, टमाटर मंडी में पहुंचा है, और टमाटर आया है हरियाणा का, गुजरात का और बेंगलौर से टमाटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में। हालांकि सोमवार है, सोमवार को उस तरह की रौनक देखने को नहीं मिलती जिस तरह की आम दिनों में रहती है, लेकिन कल डबल मंडी लगेगी, कल ज़्यादा होगा। कुछ एक दुकानें खुली हुई है, सब्जियों की आपूर्ति हुई हुई है, और सब्जियों के क्या रेट है उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आज 550 रुपये प्रति क्रेट तक बिका है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आग्रह हमारा आपसे रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें। सोलन सब्जी मंडी में टमाटर के भाव में थोड़ी गिरावट है, और 520 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में आज टमाटर सोलन सब्जी मंडी में बिका है। रिंकू भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। संजय कुमार दुरेजा जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों को हम स्वागत करते हैं। हरियाणा से टमाटर की आपूर्ति शुरू है, हरियाणा के अलावा गुजरात, अहमदाबाद से तो लंबे समय से टमाटर आ रहा है, और बेंगलौर का भी बीच बीच में सोलन सब्जी मंडी में टमाटर पहुंच रहा है। यही वजह है कि इसमें तीन चार दिन पहले 1000 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से बिकने वाला टमाटर अब 520 और 600 रुपये के बीच में सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत